लोग मेरा साथ देते हैं तो आगे बढ़ता हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, हर चीज़ लड़ रहा हूँ, जिसके लिए लड़ रहा हूँ, अगर आपको उनको एहसास नहीं है तो मेरी लड़ाई बेमानी है। क्या करना, साथ देंगे इंशाल्लाह, खुल के साथ देंगे इंशाल्लाह। क्या सब फायदा है, सब लोगों का इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह। वो जो MLA बनाए हैं जिनको, उनके भतीजे को मार रहे हैं, जो आज सबसे बड़ा पावरफुल भांजा गया, केस फाइल नहीं कर रहा है, तो हमारे यार आपके क्या मामला है? क्या हम हिंदुस्तान में ऐसे रहेंगे, हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए रहेंगे? क्या इन सब इशूज़ पे बात करने वाले भी होना? वो आए तक एक ही है जो गुलबर्ग में MLA के काबिल है, और लोग जो जीते हैं उन्हों क्या कर रहे हैं? असेंबली में बात करें, हिजाब के बारे में बात करें, NRC के बारे में बात करें, आनंद के बारे में बात करें, गोश्त खा रहे ना, और 5 साल ग्राउंड पे हर इशू में लड़ने वाला मैं। सही बात, लड़ने वाले का साथ देना है कि BJP के नाम से डराने वाले का साथ देना है? जो हर चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लिए आप मेरे को बोलिए क्या करना, मैं ठहरना नहीं देना। आप लोग मेरे साथ इंसाफ करते, मिल्लत के साथ इंसाफ करते तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत अहम इलेक्शन है, बिल्कुल ये पे यहाँ पर तुम पार्टियों के नाम पर, लीडरों के नाम पर, कारपोरेटर की बात सुन के करेंगे, कारपोरेटर का इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा इलेक्शन है। हैदराबाद कर्नाटका की नुमाइंदगी होती है, इसमें क्या होता है, अरे वोट ये नासिर नहीं डालना, BJP जीतती बोल के बोलते हैं। जब कांग्रेस को वोट डाले तो जीतती बोलते, नासिर को वोट डाले नासिर भी जीतता ना, वहाँ डाले तो उसको नहीं जीतता है, पूरे वोट हमारे गिरे हम भी जीतते। तो ये चीज़ उनको समझाना, और 5 साल जो BJP के खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देना है, BJP के नाम से डराने वाले का साथ नहीं देना। क्या भाई वायदा है आपका? गुलबर्गा की आवाम से एक ही गुजारिश है कि इस बार MLA इलेक्शन में नासिर उस्ताद को सपोर्ट करें और उनको जिताए के लाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी हमारे साथ नाइंसाफी करते बोलते नहीं ठहरते हम, वायदा करना पड़ता है ऐसा नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अभी इलेक्शन का टाइम है, हालात के ऊपर नज़र है आपकी, देख रहे हैं हर चीज़ देख रहे हैं, 2 इलेक्शन हुए हैं, 3रा इलेक्शन है, इलेक्शन 2 इलेक्शन हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे हैं। हलाल गोश्त खा रहे ना, झटका खाना कहते हैं, हलाल नहीं खाना कहते, उसके बारे में क्या तो बात करें। आनंद के मामला देखें, आनंद के बारे में तो आपकी मेहनत बहुत सुना सर, इस बार अगर आप मेरे को साथ देने का वादा करते खुल के तो मैं इलेक्शन देता हूँ। अभी बहुत से चैलेंजेस हैं, अभी बहुत से सवाल बाकी हैं, अभी आगे और है, तो क्या करना बोलो आप मेरे को, ठहरो ना को ठहरो? इंशाल्लाह। ठेकेदार जो अपने आप को समझते हैं, अरे नासिर को वोट डाले तो BJP जीतती, कांग्रेस को वोट डालो नहीं, आप अगर वोट कांग्रेस को डाले तो कांग्रेस जीतती, मेरे को वोट डाले तो मैं भी जीतू ना। सही बात, मेरे को वोट डाले तो कम, मेरे वोट डाले तो कम गिन देंगे, वो भी नंबर सुनते तो मेरे इंशाल्लाह BJP हराने के लिए नासिर का साथ देना जरूर जरूर। BJP के खिलाफ लड़ रहा हूँ 5 साल, मेरे साथ इंसाफ इंशाल्लाह जरूर। आपसे पूछने आए हैं कि आप ऐसे हालात में मेरे को मौजू समझते हैं, मैं ठहरना नहीं ठहरना नहीं, आप लोग खुल के साथ देना है। लास्ट टाइम हुआ है, लास्ट टाइम खामोश बैठे देखेंगे देखेंगे बोले सिंपत्ति वो ये करे, क्या क्या हासिल हुआ, कितना नुकसान हुआ, उलमा कराम मार खा रहे, केसेस फाइल नहीं कर सक रहे, कुछ है नहीं, अच्छे बुरे में रहता हूँ, कहीं कोई फिक्र कर रहे थे हम पुलिस विलिस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे 100 गुना ज़्यादा बेहतरी से हम। आपसे पूछने आए हैं, आप लोग अगर इस बार मेरा साथ देते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग खामोश बैठेंगे, मर्द बहुत हैं जिनको करना नहीं है, क्या कर दे, आप मेरे को वायदा करना खुल के साथ देते हैं, क्या सब करना साथ देंगे? जरा सब लोगों को बोलिए, हालात देख रहे हैं आप क्या क्या है किस तरह से, आप सब लोग साथ दिए तो इंशाल्लाह एक ताकत बनती है। वही निकले हैं, मुलाकातें करते हैं लोगों को, साथ दीजिए। बिल्कुल साथ ही थे आप।